नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप सी का 31 से लेकर 34 नंबर तक का आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को आंसर का PDF फाइल भी मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मैं बता दूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी ड्राइव द रिलेशन n इक्वल टू n नॉट e माइनस लेमडा टी वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 31 नंबर यहाँ पर आप आंसर देख पाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक। तो चलिए उसको पहले रेडियो एक्टिविटी का लॉ देख लेते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पहला देखकर ऐसे, एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिस इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ओके, फुल स्टॉप। उसके बाद टू में पूछ रहा है, ड्राइव द रिलेशन एन इक्वल्स टू एन नॉट ई लैम्डा टी वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब इसका बताना है, तो चलिए इसका है, अभी वी नो बाई रेडियो एक्टिव डी के लॉ, जैसे डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन, तो डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस लेमडा एन। तो यहाँ पर ही लेमडा जो है हमारा, वेयर लेमडा इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेट एन नॉट बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड एन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी। अब इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि एन डी एन, उसके बाद ये देख पा रहे हैं माइनस लेमडा डी टी, यहाँ पर लॉग ई एन नॉट और माइनस लेमडा टी, तो लॉग ई एन नॉट दोनों मिलकर लॉग एन बाई एन नॉट बन के यहाँ पर इक्वल टू माइनस लेमडा टी, ठीक है। माइनस लेमडा टी इधर लॉग को इधर कर देंगे, यहाँ पर ई माइनस लेमडा टी हो जाएगा और एन बाई एन नॉट, उसी को यहाँ पर एन और ये नीचे वाला एन को यहाँ से इस एन को इधर कर दिया गया, जो आप देख पा रहे हैं कि एन इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी, और इसका एक ग्राफ है, ठीक, एक ग्राफ, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा था एन एन नॉट ई माइनस लेमडा टी, तो यहाँ पर आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का अंतर बताना है हमें, ठीक है। चलिए 32 नंबर, अब ये 32 नंबर का आंसर, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर पी टाइप लिख सकते हैं और इधर एन टाइप लिख सकते हैं, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर पहला कह रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मेड ड्यू टू द डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट दैट इज ब्रोन एल्युमिनियम थैलिनियम, जिसके ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, उसी में एन टाइप सेमीकंडक्टर कह रहा है कि इज फॉर्मेड ड्यू टू द डोपिंग ऑफ नाइट्रोजन फैमिली दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी और बिस्मथ। ये डिक्टेबल आप अगर जानते हो तो अच्छा समझ पा रहे होंगे। These are also known as trivalent semiconductor. These are also known as pentavalent semiconductor. ठीक है, मैं केवल इसमें आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तीन नंबर पी टाइप सेमी कंडक्टर इज पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर, इट मीन्स इट डिफिशियंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। और उधर एन टाइप सेमी कंडक्टर करेगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर इज, यहाँ पर इज है जो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, इज निगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर, इट मीन्स एक्सेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब चाहे तो तीन ही लिखकर सोच सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो पांचों को पांच लिख सकते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरी आर होल्स एंड मिनोरिटी चार्ज कैरी आर इलेक्ट्रॉन्स। इधर चार नंबर यहाँ पर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरीज आर इलेक्ट्रॉन एंड मिनोरिटी चार्ज कैरी आर होल्स। ओके, और पांच नंबर यहाँ पर
holes indicates a missing electron in this number of holes is more than the number of electron. N-type में कह रहा है, in N-type semiconductor the number of holes is less than the number of free electron. ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है what are logic gate? Logic gate क्या है? और give the electronic circuit for the realization of NAND gate. 33 नंबर what are logic gates? Give the electronic circuit for the realization of AND gate. तो पहले लॉजिक गेट क्या है वो लिख लीजिए. लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच फॉलोज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, और यहाँ पर इसका डेविशन है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर द रिलेशन ऑफ NAND गेट इज शोन बिलो. ठीक है, इसको बना लीजिए. लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं द फंक्शन ऑफ फ्लोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, तो क्या क्या पूछा, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में आपको बताना है, ये क्या कार्य करते हैं. 34 नंबर क्वेश्चन राइट द फ्लोइंग फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर. तो पहले ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं. तो क्या करते हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टू अ फॉर्म सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल. चैनल के थ्रू मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करता है. ठीक है, वहीं रिसीवर, रिसीवर क्या करता है कि रिसीवर सेपरेट द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द कैरी सिग्नल, इट रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल सिग्नल यूजिंग आउटपुट ट्रांसफर, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इनटू साउंड लाइट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. ये भी सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं. तो आप दो ट्रांसमिशन और रिसीवर के बारे में यहाँ पर आप यहाँ सेंसर लिख सकते हैं. और हमारा इस लास्ट क्वेश्चन पर आप, मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन वाला का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो ग्रुप डी पे बनेगा, तो इस वीडियो का इंतजार कीजिए तब तक.